अपनी स्ट्रीम को बेहतर करने के लिए हम लोग स्ट्रीमिंग क्वालिटी के अलावा और काफ़ी सारे फैक्टर्स और फीचर्स पे ध्यान देते हैं। हो सकता है आप लोगों ने एक स्ट्रीमिंग पैकेज खरीदा हो जिसके कारण आपकी स्ट्रीम थोड़ी सी प्रोफेशनल लगे। अलग अलग ओवरलेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्टिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं, अलर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ स्ट्रीमर ऐसे हैं जो ज़्यादा नहीं, एक्चुअली बहुत कम स्ट्रीमर्स ऐसे हैं जो कि अपनी स्ट्रीम में, अपनी लाइव चैट में लॉयल्टी सिस्टम या पॉइंट सिस्टम का भी यूज़ करते हैं। एक्चुअली एक बहुत इफ़ेक्टिव टूल है जिससे आपकी स्ट्रीम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनती है, आपकी जो स्ट्रीम की ऑडियंस रिटेंशन है वो बढ़ती है और आपकी जो ऑडियंस है उसको भी रिवॉर्ड मिलता है। तो जल्दी से देखेंगे कि एक सिंपल प्रोसीजर का फॉलो करके हम लोग कैसे ये फीचर आपकी लाइव चैट में ऐड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जल्दी से शुरू करते हैं। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हिल गेमिंग। और लॉयल्टी सिस्टम या पॉइंट सिस्टम की जो बात हम लोग कर रहे थे, ये एक बहुत ही बढ़िया एक सिस्टम है। इसमें होता ये है कि जो ऑडियंस है आपकी, जो लॉयल है, थोड़े टाइम बाद आपके स्ट्रीम पर रहने के बाद उसको पॉइंट्स रिवॉर्ड करना शुरू कर देता है सिस्टम। और इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके जो भी आपने रिवॉर्ड्स तय किए हैं अपने लॉयल ऑडियंस के लिए, वो लोग स्ट्रीम कर सकते हैं। अब ये रिवॉर्ड्स क्या हो सकते हैं? रिवॉर्ड हो सकता है एक अच्छा सा फनी सा इमोजी जो साउंड अलर्ट के साथ आपकी स्ट्रीम पर दिखाई देगा। तो अगर कोई बंदा इतनी देर रुकता है आपकी स्ट्रीम पे कि वो इतने पॉइंट अर्न कर लेता है, तो ये पर्टिकुलर पर्क वो इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो और अलग अलग रिवॉर्ड्स अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा ऐसा है जो काफ़ी सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लेता है, तो आप हफ्ते में एक दिन चाहें किसी मल्टीप्लेयर गेम में अपने साथ स्ट्रीम पर उसको खिला सकते हैं, अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर उसको एक स्पेसिफिक रोल दे सकते हैं, या एक हफ्ते के लिए, एक दिन के लिए, या एक महीने के लिए उसको अपनी स्ट्रीम पर मॉड भी बना सकते हैं। तो ये रिवॉर्ड्स कैसे आप लोग डिज़ाइन करेंगे ये आपके ऊपर है। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक से शुरुआत करते हैं। हम लोग चलते हैं वेब ब्राउज़र पे अपने और खुलते हैं स्ट्रीमलैब्स OBS। तो क्लिक करता हूँ मैं क्रोम पर और मैंने यहाँ पर टैब बनाया हुआ है स्ट्रीमलैब्स OBS का। आप चाहें तो सीधे टाइप करिए और हम लोग होम पेज पे आ गए। यहाँ पे हम लोगों को लॉगिन करना है उस आईडी से, गूगल आईडी से, जिससे हमारा यूट्यूब चैनल है। तो लॉगिन करते हैं। इसके बाद हम लोग चूज़ करेंगे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब, और उसके बाद हम लोग जो गूगल आईडी है उससे लॉगिन करते हैं जल्दी से। और इस पर लॉगिन करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे स्ट्रीम लैब्स के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि लेफ्ट में एक मेन्यू है पूरा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो ऊपर से तीसरा ऑप्शन है क्लाउड बॉट, इस पर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ क्लाउड बॉट है, पहले इसको इनेबल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये इनेबल करना भूल गए तो कुछ काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद ये अलग अलग टैब्स हैं, इन टैब्स में हम लोग पहुँचते हैं लॉयल्टी में। लॉयल्टी में आने के बाद हम लोग पहले देखते हैं सेटिंग्स, और ध्यान रखिएगा कि ये लॉयल्टी सिस्टम इनेबल्ड हो। इसके बाद लॉयल्टी नेम, यानी कि जो करेंसी आप देने वाले हैं, जो पॉइंट्स आप देने वाले हैं। आप चाहें तो पॉइंट अगर सिंपल आपको लग रहा है तो कोई अलग नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसको फ्रैग्स रख सकते हैं, कॉइन्स रख सकते हैं, शार्ड्स रख सकते हैं, जो चाहें वो रख सकते हैं। ये आपके नाम पर भी बेस्ड हो सकता है। तो वो करेंसी, एक्चुअली ये वो करेंसी है जो कि आपके ऑडियंस को अवॉर्ड की जाएगी। नीचे आए अगर तो देख रहे हैं पॉइंट्स पर इंटरवल, कितने इंटरवल के बाद पॉइंट्स अवार्ड होने शुरू हो जाएं। तो 5 मिनट के बाद आप ये देखिए कि एक पॉइंट अवार्ड हो जाएगा आपकी ऑडियंस को। जो बंदा 5 मिनट तक लगातार स्ट्रीम देख रहा है उसको एक पॉइंट आप दे देंगे। आप चाहें तो इनको बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो इसको कम भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। नीचे आए इवेंट पे आउट। तो इवेंट पे आउट में क्या करना है कि अगर आपकी ऑडियंस में कोई ऐसा बंदा है जो आया है आपकी स्ट्रीम पर, वो आपको सब्सक्राइब करता है, तो हम लोग उसको कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे देंगे। मान लीजिए मैं 10 पॉइंट्स देता हूँ अगर कोई सब्सक्राइब करता है मेरे को। तो इसके अलावा है ऑन मेंबर, यानी कि कोई अगर मेंबरशिप लेता है आपके चैनल की तो आप उसे कितना पॉइंट अवार्ड करेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, मान लीजिए 30 पॉइंट्स की, मैं 30 पॉइंट्स उसको अवार्ड करने वाला हूँ। और नीचे आप देखें, मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ सरक जाता हूँ जिससे आपको नीचे के ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाएं। फिलहाल शायद आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, तो अब बेहतर है। और अभी आप देखिए कि डोनेशंस में स्ट्रीम लैब्स वाला हमको कोई काम नहीं है क्योंकि ये ट्विच में इस्तेमाल होता है। सुपर चैट, अगर कोई हम लोग को सुपर चैट करता है तो हम लोग मान लीजिए उसको 40 पॉइंट्स देते हैं। इतना करने के बाद हम लोग करेंगे इसको सेव। तो ये तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि किस एक्शन पे कितने पॉइंट्स आप अवार्ड करने वाले हैं अपनी ऑडियंस को। इसके बाद हम लोग आएंगे स्टोर में और यहाँ पर हम लोगों को अपने स्ट्रीमिंग पर्क डिज़ाइन करने हैं कि क्या क्या पर्क्स होंगे, क्या क्या रिवॉर्ड्स होंगे जो आप लोग अपनी ऑडियंस को देने वाले हैं। मैं यहाँ पे नया आइटम क्रिएट करता हूँ। आप जैसे आप पहली बार करेंगे इसको तो आपके लिए भी कोई आइटम नहीं मिलेगा। आप देखेंगे मेरे स्टोर में भी कोई आइटम नहीं है। तो क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू आइटम और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, मान लीजिए पबजी, और डिस्क्रिप्शन में देता हूँ मैं डांस, DANCE डांस। और यहाँ पर कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब ये कि ये स्ट्रीम पर जो है
कितनी करेंसी खर्च करके आपका जो ऑडियंस है वो इसको ले सकता है, इसको खरीद सकता है, इसको रिडीम कर सकता है एक बार, तो इसको 10 रहने दीजिए। एक्चुअली कॉस्ट आप इस हिसाब से रख सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी प्रेशियस है। मान लीजिए कोई ऐसा अलर्ट है जिसमें केवल एक ग्राफिक शो होगी, एक इमोजी आएगी लेकिन साउंड नहीं आएगी, तो आप उसकी कीमत कम रख सकते हैं। अगर ऐसी कोई इमोजी है जिसके साथ आपको साउंड भी डिस्प्ले करना है तो उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं कि कॉस्ट क्या होगी। दूसरा है क्वांटिटी, क्वांटिटी में है -1। क्वांटिटी एक्चुअली ये शो करता है कि ये पर्टिकुलर पर कितनी बार रिडीम किया जा सकता है। तो -1 का मतलब ये है कि इनफाइनाइट टाइम्स आप इस पर्टिकुलर जो पर्क है इसको रिडीम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको एक स्टिकर का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो स्टिकर तो कितनी बार भी रिडीम किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई बड़ा पर्क है, मान लीजिए आप ऐसा है कि कोई बंदा 2000 पॉइंट इकट्ठे कर रहा है और आप चाहते हैं कि आप पबजी मोबाइल खेलते हैं तो आप 2000 पॉइंट जब कोई बंदा इकट्ठा कर ले जो इतना लॉयल हो तो उसको आप 200 यू सी दे दें, या अगर आप फ्री फायर स्ट्रीम कर रहे हैं तो आप उसको डायमंड देने वाले हैं, तो वहाँ पर रिडम्पशन जो है वो एक या दो कर लें कि एक यूज़र केवल एक ही बार इस चीज़ को रिडीम कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस होंगे, कोई दूसरे की भी किसी की बारी आनी चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल मैं -1 रख रहा हूँ इसको। इसके बाद है ग्लोबल कूल डाउन, मतलब एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये पर्क आपकी स्ट्रीम पे एक बार इस्तेमाल हो गया तो कितनी देर बाद तक ये और अब इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे टाइम हम लोग सेट करेंगे, टाइम सेकंड्स में है। मैं करता हूँ मान लीजिए इसको 120 सेकंड्स की, एक बार इस्तेमाल होने के बाद 2 मिनट तक इसको दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके। अगला ऑप्शन है यूज़र कूल डाउन, एक बार कोई पर्टिकुलर बंदा जिसने ये वाला पर्टिकुलर आइटम रिडीम कर लिया वो दोबारा ना रिडीम कर पाए, क्योंकि और भी यूज़र है, मान लीजिए आपकी 100 वॉचिंग है, तो उतने यूज़र्स अगर चाहते हैं और एक ही बंदा लगातार कर रहा है तो इट विल बी अनफेयर। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं कि 300 सेकंड, 5 मिनट तक जो बंदा इस चीज़ को एक बार रिडीम कर चुका वो अगले 5 मिनट तक दोबारा रिडीम ना कर पाए। इतना करने के बाद करते हैं क्लिक नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको एक इमोजी अपलोड करनी है और एक साउंड अपलोड करनी है, आप चाहें तो अपनी मर्जी से अपनी मन की कस्टमाइज साउंड या कस्टमाइज जीएफ जो है उसको अपलोड कर सकते हैं, चाहें तो स्ट्रीम लैब्स की जो स्टॉक है उनको ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल अपलोड कर लेता हूँ अपनी तरफ से, लेट्स से आई अपलोड अ फाइल, इमेज फाइल मैं अपलोड करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं अपलोड पे और ये मैंने एक फ़ाइल चूज़ की हुई है, इसको ओपन करते हैं तो ये जल्दी से यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद शो होने लगेगी, हो गई, यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको और क्लिक करने के बाद नीचे बटन है सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद साउंड फाइल, साउंड में इनकी स्टॉक में से चूज़ कर रहा हूँ, स्टॉक फाइल में से साउंड में जाता हूँ मैं और कोई भी एक फ़ाइल चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं चूज़ करता हूँ अवार्ड, इसको करते हैं सेलेक्ट। तो ये दोनों चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद कितनी देर के लिए ये मैसेज शो होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स। और यहाँ पे आपको चेक ज़रूर करना है कि ये जो रिडम्पशन है, जो बंदा आके इस पर्क को रिडीम करेगा वो आपकी स्ट्रीम पे एज एन अलर्ट शो हो। तो इसको चेक कर लिया। इसके बाद रिडीम वाया चैट, कि आपकी लाइव चैट का इस्तेमाल करके उसको रिडीम किया जा सके। और यहाँ पे आप कोड डाल देंगे कि क्या कमांड डालें जिससे ये पर्टिकुलर जो पर्क है रिडीम हो सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाम दिया था डांस, तो यहाँ भी लिख देते हैं डांस। अब आप ये देखिए नीचे लिखा है एक्सक्लेमेशन रिडीम और उसके बाद कमांड। तो कोई भी बंदा आपकी लाइव चैट पे आके एक्सक्लेमेशन रिडीम के आगे डांस लिखेगा तो वो ये पर्टिकुलर जो पर्क है इसको रिडीम कर सकता है। एज सिंपल एज दैट, जितने भी पर्क आप बनाएंगे सबके लिए अलग अलग कमांड रख सकते हैं और ये कमांड एक्चुअली उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगी कि आपकी इमोजी कैसी है। फिलहाल मैंने डांस वाले चूज़ किए तो यहाँ पे नाम डांस रख लिया है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, कोई लॉयल आपका ऑडियंस है और वो आप उसको यूसी देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको या तो उसका फ़ोन नंबर चाहिए होगा या जीमेल चाहिए होगा जिससे मेल के थ्रू आप उससे कांटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे ऐड रिक्वायरमेंट पे क्लिक करके आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्क अगर वो रिडीम करता है तो उसके लिए, उसको रिडीम करने के लिए आपको उसे अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा या अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसको सेव कर रहा हूँ क्योंकि ये तो सिंपल एक मैसेज है, एक इमोजी है जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की है। तो क्लिक करते हैं सेव और ये आप देख रहे हैं कि लॉयल्टी स्टोर में ये चीज़ सेव हो गई है। तो ये तो बात हो गई चीज़ों को सेव करने की। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ये देखेंगे। एक चीज़ और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, ऊपर आप ये देखें तो ये जो लाइन है थोड़ा सा येलोइश कलर की, उसमें यहाँ पे लिंक है। इस लिंक को आपको कॉपी करना है और अपने YouTube चैनल पे जाके इसको एज ए मॉडरेटर्स वाले सेक्शन में पेस्ट करना है, जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा।
तो फिलहाल हम लोग इसको यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से, राइट क्लिक करते हैं कॉपी, और मैं चलता हूँ यूट्यूब चैनल पे अपने, और वहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं, ओपन करते हैं यूट्यूब। यूट्यूब खुलने के बाद हम लोग जाएंगे स्टूडियो में, जो यूट्यूब स्टूडियो है। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे चैनल की सेटिंग्स में, सेटिंग्स खुलने के बाद हम लोग जाएंगे कम्युनिटी में। मैं आपको बता चलता हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरे को याद है सब, कम्युनिटी में, और कम्युनिटी में आने के बाद ये मॉड्स हैं आपके, यहाँ पर हम लोग इस पूरे जो ये लिंक है इसको पेस्ट कर देंगे। थोड़ी देर बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये जो लिंक हमने पेस्ट किया है इसको एज स्ट्रीम लैब्स, इसको ये जो सिस्टम है आइडेंटिफाई कर लेगा। इट विल टेक लाइक हार्डली 10-12 सेकंड लगना चाहिए, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं लगना चाहिए। आई थिंक इट विल गेट रिफ्लेक्टेड वेरी सून, और अभी तक हो जाना चाहिए था शायद। ओके, ये आ गया स्ट्रीम लैब्स, क्लिक करते हैं और इसको करते हैं सेव। तो ये चीज़ तो डन हो गई, वापस पहुँचते हैं वहीं पर डैशबोर्ड पर अपने, और डैशबोर्ड पे आने के बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि ये अलर्ट जो है वो हमारे OBS पे कैसे शो होगा। या उससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कमांड्स के बारे में। कमांड्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये जो आपका लॉयल्टी सिस्टम है इससे रिलेटेड कमांड्स क्या हैं जो हम लोगों को देखनी है। तो इसको नीचे अगर हम लोग स्क्रॉल करें तो नीचे स्क्रॉल करने पर आप ये देखेंगे एक सेक्शन है लॉयल्टी, इसमें लॉयल्टी से रिलेटेड कमांड्स हैं। अगर आपकी चैट पर कोई आके लिखता है एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, तो जो क्लाउड बॉट है वो उस पर्टिकुलर यूज़र को बता देगा कि ये नाम का यूज़र है और इसके पास अभी फ़िलहाल कितने पॉइंट्स हैं, तो उसका स्कोर वो शो कर देगा। इसके अलावा है एक्सक्लेमेशन टॉप, एक कमांड है। अगर आप ये कमांड लगाते हैं अपनी लाइव चैट में तो क्लाउड बॉट ये शो करेगा कि आपकी जो वॉचिंग है उसमें टॉप 10 ऑडियंस कौन से हैं, जो सबसे ज़्यादा देर तक जिनके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो उनके नाम शो होंगे और उनका जो पॉइंट है वो शो होंगे। इस तरीके से बाकी सारी कमांड्स हैं, आप गो थ्रू हो सकते हैं सिंपली और चेकआउट कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग आते हैं अभी अलर्ट्स पे कि ये अलर्ट आपकी स्ट्रीम पे दिखाई कैसे देगा। तो उसके लिए हम लोग ऊपर पूरा स्क्रॉल करेंगे और क्लिक करेंगे अलर्ट बॉक्स पे। ये अलर्ट बॉक्स है, क्लिक करते हैं इस पे, तो ये सेक्शन खुल गया। और ये सेक्शन हमारे उन भाई लोगों को याद होगा जो हम लोगों ने अभी पिछले दिनों स्ट्रीम लैब्स पे हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था कि सब्सक्राइबर अलर्ट कैसे हो, मेंबर अलर्ट, अगर कोई मेंबर ज्वाइन करता है आपके चैनल को तो उसका अलर्ट कैसे आए। आप चाहें तो ऊपर आई कार्ड में आ रहा है लिंक, चेकआउट कर लीजिए उस वीडियो को। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं टैब में, जनरल सेटिंग्स, डोनेशन, सब्सक्राइबर में, यहाँ पे है क्लाउड बॉट रिडम्पशन, क्लिक करते हैं और मैं दोबारा से एक तरफ हो जाता हूँ जिससे आपको सब चीज़ें दोबारा से दिखाई देनी शुरू हो जाएं एक बार फिर। हाँ, तो अभी मैं वापस आ गया हूँ अपनी पुरानी जगह पे, और यहाँ पे हम लोगों को अलर्ट जो है कस्टमाइज़ करना है। तो क्लाउड बॉट रिडम्पशन में आप ये देखिए कि सबसे पहले तो ये अलर्ट इनेबल्ड हो जिससे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। लेआउट, लेआउट मैंने यहाँ चूज़ किया हुआ कि एक तरफ जो इमेज है वो आएगी और दूसरी तरफ टेक्स्ट लिखा आएगा कि किसने क्या रिडीम किया है। अलर्ट एनिमेशन, ये हम लोग ये सारे वही ऑप्शंस हैं जो हम लोगों ने अलर्ट के टाइम पे कॉन्फ़िगर किए थे, आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज है, मैसेज आप चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपनी जगह, अपना अपने हिसाब से कोई कस्टमाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है जस्ट बिकॉज़ कि नया यहाँ पे आपको इमेज और नई साउंड नहीं देनी है, क्योंकि वहाँ पे एक इमोजी है जिसकी अपनी एक इमेज है और अपनी एक साउंड है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। नीचे आए अगर तो सब कुछ वैसे ही है, बस यहाँ पे आके आपको सेव सेटिंग्स करना है। इतना आपने किया, अब आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे विजिट URL है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और इसको ले जाके अपने OBS में जिस भी सीन में हमको चाहिए एक नया सोर्स ऐड करेंगे, ब्राउज़र सोर्स, और इसको वहाँ पे पेस्ट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ OBS की स्क्रीन पे। तो यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे विजिट URL, कॉपी करते हैं इसको और OBS में जाके पेस्ट करते हैं। मैं खोलता हूँ OBS, किसी भी सीन में जहाँ पर आपको चाहिए सोर्स में जाके एक ऐड करें सोर्स, ब्राउज़र, नाम रख दें जो चाहे, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ फिलहाल। और यहाँ पे हम लोग URL पेस्ट कर देंगे जो हम लोगों ने कॉपी किया है, पेस्ट किया। हाइट में थोड़ी सी एडजस्ट करता हूँ, लेट्स से इसको कर देते हैं 400 और ओके। तो ये बॉक्स है हमारा जिस बॉक्स में वो अलर्ट शो होगा जब भी कोई हमारी ऑडियंस जो है रिडीम करती है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ कि स्ट्रीम लैब्स वाले डैशबोर्ड पर जाता हूँ और एक बार चेक करके देखते हैं इसको कि ये अलर्ट काम कर रहा है या नहीं। तो चलते हैं यहाँ पर और मैं क्लिक करता हूँ इसको टेस्ट क्लाउड बॉट रिडम्पशन को, और जब ये क्लिक होगा और ये सब कुछ अगर ठीक काम कर रहा है तो मेरे OBS में एक साउंड आएगी और एक जिफ शो होगा। तो क्लिक करते हैं इसको और आप ये देख रहे हैं कि मैसेज शो हो रहा है। तो इस तरीके से रिडम्पशन होगा जब भी आप जिस भी पर्टिकुलर कमांड को वहाँ पे लगाया जाएगा आपकी लाइव चैट पे, इस तरीके से वो आपकी स्ट्रीम पे शो होगा। तो भाई लोग, इस प्रोसीजर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके पूछ लीजिए हमसे, हम लोग कोशिश करेंगे रिस्पॉन्ड करने की उसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, सब्सक्राइब कर लेना चैनल अब तक नहीं किया है तो, और वो घंटा आपको ज़रूर बजाना है क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होता है। जब भी एक नई वीडियो आती है वो घंटा बजता है और आपको लोगों को पता लग जाता है कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।